बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू अल राज़ी इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टे सेफ एंड हेल्दी इन योर होम्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट यूनिट ऑफ आवर कंप्यूटर बुक, विच इज़ बी अ सेफ एंड एथिकल कंप्यूटर यूज़र। बी अ सेफ एंड एथिकल कंप्यूटर यूज़र, पेज नंबर 4। स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग। दैन मै चिल्ड्रन लव टू यूज़ कंप्यूटर स्पेशली वैन इट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। गेम, फेसबुक, यूट्यूब, कार्टून, फिल्म, द एक्साइटमेंट इज़ एंडलेस। चिल्ड्रन को, बच्चों को अच्छा लगता है जबकि कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो या फिर उसमें गेम हो या फेसबुक यूज़ करना, कार्टून यूज़ करना, फिल्म्स देखना, इनकी एक्साइटमेंट की कोई इंतहा ही नहीं होती। बट वंस इन अ वाइल एक्साइटमेंट टर्न्स इनटू अ बैड डिटरमेंट एंड ट्रबल। कह रहे हैं कि यही एक्साइटमेंट अगर एक ट्रबल में चेंज हो जाए, यानी ट्रबल मींस परेशानी और बैविडरमेंट मींस हैरत, ठीक है, तो आपको बड़ी हैरत होगी सुन के। बेसिकली प्रोग्रामर्स भी पीपल्स ही होते हैं, हैंस दे टू हैव ऑल काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़ अमंग देम। और इसमें भी हर टाइप के पर्सनैलिटीज़ मौजूद होती हैं। देर आर नाइस प्रोग्रामर्स, कुछ अच्छे होते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली देर आर नेस्टी वंस टू, और कुछ अच्छे नहीं होते, बुरे होते हैं। दे टेक प्लेजर इन हर्टिंग पीपल, और उनका जो है वो प्लेजर ही होता है लोगों को हर्ट करना। दे मेक डिसेप्टिव प्रोग्राम्स, डिसेप्टिव प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज़ टू ट्रबल अदर पीपल एंड और गेन एडवांटेजेस ऑफ देम। जो है वो दूसरों के लिए परेशानी का बायस बनता है और कोई जो है वो उससे एडवांस गेन नहीं कर सकता, एडवांटेज नहीं, मतलब फ़ायदा नहीं उठा सकता, ठीक है। वायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग डेटा। अच्छा, वायरस कंप्यूटर में जब आ जाए तो हमारे पास वो सामने आते हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम सामने आती है वो क्या होता है, वो डेटा को डैमेज कर देता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, हाउएवर वायरस कैन ऑल्सो स्टील प्राइवेट इंफॉर्मेशन लाइक लॉगिन पासवर्ड, यूज़ योर हार्ड डिस्क स्पेस और सीपीयू फॉर देयर ओन पर्पस एंड डू देयर अदर मिसचीफ। अच्छा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अगर वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाए तो एग्जैक्टली वो सॉफ्टवेयर को भी और हमारे हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंचाएगा, डेफिनेटली, ठीक है, चाहे वो सीपीयू हो, वो किसी भी पर्पस पे काम करे या हार्ड डिस्क हो, ठीक है स्टूडेंट्स।
अच्छा अब स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट काइंड ने बताई है हमें वायरस की, वो है बूट वायरस। बूट वायरस इनफेक्ट द बूट रिकॉर्ड ऑफ हार्ड डिस्क फ्लॉपीनेस। अच्छा, बूट वायरस किन दो चीज़ों में इन्फेक्टेड करते हैं? कौन सी दो चीज़ें? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। दे आर कंसिडर मोर डेंजरस देन प्रोग्राम वायरस। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है अगर हम इसको कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू प्रोग्राम वायरस। एग्जाम्पल ऑफ बूट वायरस आर डिस्क किलर, डेविल 0.941। अच्छा, और ये इसकी एग्जाम्पल क्या है? डिस्क किलर, यानी कि ये बिल्कुल ही हमारी जो डिस्क है उसको ख़त्म कर देता है, बिल्कुल बेकार कर देता है। ठीक है, इसके बाद अगर आ जाए हमारे डिस्क में तो वो किसी काम। स्टूडेंट, तो थर्ड कैटेगरी आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी, प्रोग्राम वायरस। ठीक है, अब ये क्या होता है? प्रोग्राम वायरस इनफेक्ट फाइल विच हैव एक्सटेंशंस लाइक .com, .xex, .del, etc. अच्छा, ये बेसिकली किस पे? प्रोग्राम फाइल्स पे ही इफेक्ट करता है, क्योंकि इसका नाम ही प्रोग्राम वायरस है, तो ऑब्वियसली ये प्रोग्राम फाइल्स पे इफेक्ट करता है। द फायरस बिकम एक्टिवेट वैन एग्जीक्यूटिव फाइल आर एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ये एक एग्जीक्यूटिव मतलब एक स्पेसिफिक फाइल पे इफेक्ट करता है व्हेन, जब। एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम वायरस आर एलियन 290। अच्छा, ये एग्जांपल्स दी हुई इसकी फाइल्स की जिस पे इफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, ये हाफ चैप्टर आज हम लोगों ने डिफाइन किया। रिमेनिंग जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप इसको बार बार पढ़ें, इसे समझें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।